कई बार कमला बिस्तर में अपना सोती रहे। और ये देखो ये डोगियों का घर है, खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। और ये देखो यहाँ सो रहे हैं बदमाश की तक, है ना। तो ये बाप, ये देखिए हम करते और अब देखो जिम भी कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है पूरा। आएंगी देर से, धूप निकलने होती है ना तब आती है सब। ऐसा लग रहा है पार्क मेरे लिए है खाली, मेरा अपना प्राइवेट पार्क है ना, कोई सहेली नहीं है। आई तो आवाज कोई सहेली की है, दिखाई ना देती ना, दिखाई ना देती भी। देखो हाँ दिखाई ना देती कोई, अच्छा लगता है जब ये देखो नजारे। वाह प्रभु की कृपा, देखो। पर भाई ये तो जो जाते हैं दूर, जाते हैं जो सर्विस के लिए काम के लिए, उनको तो दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक में, ये दिक्कत है। चलो कुछ शुरू करते हैं अपना आयुर्वेद का। सुबह सुबह एक खाना जोड़ों के दर्द हो जिसका, तो भी वो खटाई तो बिल्कुल ही छोड़ दे। जीना है ढंग से तो खटाई बिल्कुल ही छोड़ दें। खटाई कैसी कैसी होती है, टमाटर की भी होती है, नींबू की, दही की, लस्सी की, सेहत की, आम के अचार की, आम की, है ना। और खट्टा देखो आंवले में भी होता है, जोड़ों के दर्द वाले को आंवला भी मना कर देते हैं। थोड़ा सा बीच वाली पटरी पर से चलते हैं, ये देखिए बीच वाली से चलते हैं हम मॉर्निंग वॉक। जैसे सत्संग में बोलते हैं ना कि एक एक कदम कितने यज्ञ के बराबर होता है, बहुत सारे यज्ञ के बराबर बोलते। और ये देखो जी, और वैसे ये है भाई स्वास्थ्य की तरफ मॉर्निंग वॉक की, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। खूब प्राणायाम करो। और हमारा आंवले का पेड़ है, ये देखो पूजा कर रखी है इसकी, और ये पूरा आंवले का, आंवले का, आंवले बालों के लिए और आँखों की रोशनी के लिए है। हेयर ब्लैक कहते हैं ना, सफ़ेद हो जाते हैं तो काले रहेंगे भी आंवले के, उससे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद आंवला होता है नज़र के लिए। तो अपना इसका जूस बनाए, कैंडी बनाए, अचार बनाए, मुरब्बा बनाए, बहुत कुछ बनता है आंवले से। ये देखो भी धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, है ना। कोहरा घना छाया, कोहरा घना छाया, फिर भी बड़े चलो। पार्क के अंदर से देखें, ये देखो जी पार्क के अंदर आ गए हम। अब ये देखो मॉर्निंग होकर, और हम थोड़ा सा उल्टा भी चलेंगे घुटनों के दर्द के लिए। एज 50 पार कर चुकी है तो घुटनों का तो रहता ही है। ये देखो अब ये उल्टा है जी, उल्टे भी चलेंगे हम। उल्टे चलने के फायदे तो सबको पता ही है, मैंने कई उनमें बता भी रखा है लोगों में।
उल्टा चलने के क्या क्या फायदे हैं, घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है। फिर यहीं से फिर मोड़ लें, ये देखें। अब भाई अकेले वीडियो तैयार तो है, सही होंगे, पर ये है आपके लिए जानकारी पूरी पूरी फुल फुल बढ़िया बढ़िया देंगे, तो भाई हमारा सहयोग करें। और बताएं आज का व्लॉग कैसा लगा हमारा योगा। तो देखो ऐसे में कोई छत के नीचे ही होती है योगा, तो सर्दियों में गर्मियों में पार्क में आ जाएंगे, मार्च में आ जाएंगे पार्क में। और अभी हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, मॉर्निंग वॉक करते रहेंगे। ध्यान से चले अपना, आराम आराम से, कोई जल्दी भी नहीं है, अभी पीछे भी देखते रहें, रास्ता साफ है पीछे का, पहले ही जांच लें और फिर आराम से चलें, कोई गड्ढा ना हो। कमर दर्द वाले तो बहुत सावधानी से चलें, कमर दर्द वालों को तो सैर भी उबड़ खुबड़ जमीन पर नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने शूज पहन कर आए। एडी का दर्द हो ना, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एडी में दर्द भयानक होता है, तभी थोड़ा बहुत अपना वही है खाने पीने का ध्यान रखें। और भाई एक बात तो है, मैं बताऊँ आपको, होता ही है सबको, सब तरह के कपड़े रखते हैं शुरू शुरू में, तो उसी तरह मेरे को भी चप्पल जूते रखने का भी बहुत चाव था, सैंडल जूती चप्पल हील की बिना हील की जूते हवाई चप्पल, चप्पलों में भी कई प्रकार के तो ऐसे नए नए जोड़े मेरे पूरे रखे हुई कई। बहनों क्या बताऊं, फिर समय ने ऐसी करवट ली, एडियो में भयानक दर्द, चला ना जाए, रात ने उठना पड़े कुंडी खोलने, थोड़ा देर से आना सबका, और थोड़ा सा फासला दो कदम का बहुत देर हो जाए, वहाँ तक कैसे जाऊँ, दर्द में तो जी निकला। मुड्ढा माड्ढा कुछ ऐसी चीज़ रखूँ उसको घिस्टा घिस्टा कर उसके साथ जाऊँ, कुंडी खोलूँ, बहुत दर्द। डॉक्टर का गई, बोले ये चप्पल पहनो जी डॉक्टर, चप्पल शूज पहनो, तो ऐसे निकल गया जी साला, तो शायद ज़्यादा ही समय निकल गया, फिर स्लिप डिस्क हो गया, तो बिस्तर पर ही आ गई थी, तो शायद अच्छे दिन निकल गए, दो करीब करीब दो साल निकल गए। तो मैंने सोचा नहीं रखे हैं, काम वाली को दे देती हूँ, तो काम वाली थी लड़की, राजस्थान में छोटे छोटे की शादी कर देते हैं, उसकी पहले शादी हो रखी थी, तो वो दोबारा अपने ससुराल बुला रखी थी कि इसके जेवर अब दोबारा से बनेंगे ना नाप के, पहले तो छोटे छोटे होते हैं, तो बोली कि आंटी मैं जा कल जाऊंगी, एक दो दिन में जाऊंगी, मतलब मैं कहा बहन ऐसा कर ये नए नए सूझ है तेरा, मेरा एक नाप है तू ले जाए ना। बोले ठीक आंटी, उस लड़की को चाव था, फटाफट निकाले वहीं पर मटकाने लगी, कभी इधर से उधर जा कभी इधर से उधर जा, पहन पहन के देख रही, और फिर सारे चप्पल जूते टूट गए वहीं पर, मतलब रखे रखे टूट गए, ये देखो नए एकदम, जो छू भी नहीं रखे थे। बोली आंटी ये क्या, कहा बेटी क्या बताऊँ, तेरे सामने है, और ये तो चलो यहाँ पर पहन लिए, मेरे को विश्वास हो गया, अगर आप घर में पहनती तो मेरे को विश्वास नहीं होता, सोचती कि ये झूठ बोल रही है। तो भैया से रखी रखी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, तो एडियों के दर्द वाले तो फिर बड़ी मुश्किल तरसते ही रहते हैं, सूट साड़ी बड़ी।
छोटा से भी हमारा हो जाता है, ज़्यादा श्वास लेते हैं ऊपर चले जाते हैं, श्वास छोड़ते हैं नीचे, तो हाथों को नीचे झटके के साथ बैलेंस बनाते हुए आराम से करना है, ये नहीं अनाड़ीपना बिल्कुल भी नहीं करना है।